डीएनए में आज सबसे पहले हम एक सुसाइड लेटर का विश्लेषण करेंगे और यह बहुत गंभीर मुद्दा है। यह सुसाइड लेटर किसी आम व्यक्ति का नहीं है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हम अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल के सुसाइड लेटर की बात कर रहे हैं और आज ये 60 पन्नों का सुसाइड लेटर कोई आम सुसाइड लेटर नहीं है। मेरे हाथ में है ये 60 पन्ने और आज हमने दिन में इस सुसाइड लेटर को पढ़ा है। आप इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यक्ति की निजी चार्जशीट भी कह सकते हैं। ये वो लेटर है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कई बड़े नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अलावा अरुणाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज हम इन आरोपों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कलिखो पुल के बारे में कुछ बातें बता देते हैं ताकि आप जान लें कि कलिखो पुल कौन थे। कलिखो पुल ने पिछले वर्ष 9 अगस्त को आत्महत्या की थी। कलिखो पुल 19 फरवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस के बागी विधायकों ने सरकार बनाई और कलिखो पुल को उस सरकार का मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहाल करने का फैसला सुना दिया, जिसके बाद कलिखो पुल को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और इसके बाद अगले ही महीने यानी अगस्त 2016 में कलिखो पुल ने अचानक एक दिन आत्महत्या कर ली। मीडिया में यह खबर जिस तरह आई थी उसी तरह गायब भी हो गई, लेकिन अब कलिखो पुल का 60 पन्नों का एक सुसाइड लेटर सामने आया है। इस लेटर में उन्होंने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिनके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए इस पूरे मामले का ताजा स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। कलिखो पुल के इस सुसाइड लेटर को लेकर उनकी पत्नी डांग वेमसाई पुल ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और सुसाइड लेटर में लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। कल सुप्रीम कोर्ट ने कलिखो पुल की पत्नी की चिट्ठी को एक याचिका में तब्दील कर दिया और आज से इस पर सुनवाई भी शुरू कर दी, लेकिन आज कलिखो पुल की पत्नी ने अपनी उस चिट्ठी को वापस ले लिया। कलिखो पुल की पत्नी का कहना था कि उन्होंने इस मामले की जांच के प्रशासनिक आदेश जारी करवाने की मांग की थी, जबकि अदालत ने प्रशासनिक आदेश जारी न करके उस पर कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी। कलिखो पुल की पत्नी के वकील ने यह भी कहा कि सुसाइड लेटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ, 2 सिटिंग जजों पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को सुनवाई के लिए सीनियर जजों की बेंच की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जजेस की बेंच के सामने भेज दिया गया, जो कि सही नहीं है। हमने बहुत संक्षेप में आपको यह समझा दिया कि इस पूरे मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और इस मामले का बैकग्राउंड और क्या है। अब हम कलिखो पुल के इस सुसाइड लेटर को आपके लिए डीकोड करेंगे। ये लेटर ऐसा है जिसके बारे में जानने के बाद शायद आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। इसमें जो आरोप लगे हैं ये आपने सुने बहुत होंगे, पढ़े बहुत होंगे, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री मरने से पहले अगर 60 पन्नों का ऐसा लेटर लिखकर जाए तो आप सोचिए उसकी गंभीरता क्या होगी। और जब आप इस चिट्ठी को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इस सरकार के बारे में, हमारे देश के सिस्टम के बारे में, हमारे देश की जुडिशरी के बारे में आपके जितने भी डर थे वो सब डर इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद सच साबित हो जाएंगे। कलिखो पुल का 60 पन्नों का सुसाइड लेटर हिंदी में लिखा गया है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को सिस्टम में मौजूद सारे लूपहोल्स यानी सारी कमियों के बारे में पता होता है, क्योंकि वो उसी सिस्टम से निकलकर आता है और उसी सिस्टम के जरिए मुख्यमंत्री भी बना होता है। उसे पता होता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार कैसे फलता फूलता है और नेता, मंत्री और सरकारी अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा कमाते हैं और यहां तक कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार कैसे होता है। अपने सुसाइड लेटर में कलिखो पुल ने देश के इसी भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब करने का दावा किया है। इस सुसाइड लेटर का शीर्षक है मेरे विचार। शुरुआत में कलिखो पुल ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में 2 पन्नों में लिखा है। मैं पहले आपको बता देता हूं हिंदी में लिखा यह सुसाइड लेटर है, देखिए, और इसका शीर्षक उन्होंने लिखा है मेरे विचार, और हर पन्ने पर कलिखो पुल के इसमें हस्ताक्षर हैं। हर पन्ने पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं।
शुरुआत में उन्होंने यही लिखा है कि मैंने एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए घर में जन्म लिया। मैंने उम्र भर दुख देखे, दुखों को सहा है और बहुत बार उन पर विजय भी पाई है। और मैं समझता हूं कि इस दुनिया में मैं अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाऊंगा। ऐसा उन्होंने लिखा है शुरू के दो पन्नों में। 60 पन्नों के सुसाइड लेटर के पेज नंबर 9 पर कलिखो पुल ने आज की राजनीति पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कलिखो पुल की यह टिप्पणी अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। कलिखो पुल ने लिखा है कि आज राज्य का हर एक नेता अपनी जेब भर रहा है, अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। जनहित से ज्यादा वो अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है। कलिखो पुल ने लिखा है कि उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया बल्कि खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ये भी लिखते हैं कि राज्य में मंत्री विधायक आपसी सहयोग से केवल खुद ही आगे बढ़ते हैं और गरीब जनता को नजरअंदाज कर देते हैं, और मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेताओं, बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े व्यापारियों को खुश करने में लगा रहता है। कलिखो पुल ने सुसाइड लेटर में अरुणाचल प्रदेश में हुए पीडीएस घोटाले का भी जिक्र किया है। इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के नामों का जिक्र है और कई अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कलिखो पुल ने यह भी बताया है कि कैसे सड़क बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार होता है। 20 किलोमीटर की सड़क को 46 किलोमीटर का बताया गया और पैसों का गबन कर लिया गया। सुसाइड लेटर में यह भी लिखा है कि जहां जनसंख्या है ही नहीं, यानी जहां जनसंख्या ही थी ही नहीं, वहां चावल का कोटा बढ़ा दिया गया। जहां चावल, चीनी और गेहूं गया ही नहीं, वहां झूठा बिल बनाकर घोटाला किया गया। कलिखो पुल ने इस लेटर में अरुणाचल प्रदेश के भ्रष्ट मंत्रियों का पूरा की पूरा रेट कार्ड ही छाप दिया है। पेज नंबर 25 पर कलिखो पुल ने लिखा है कि राज्य में हर ट्रांसफर और हर प्रमोशन के लिए रिश्वत ली जाती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर और प्रमोशन 3 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की रिश्वत देकर होता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अपने सुसाइड लेटर में ये आरोप अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने लगाए हैं। जी न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये अभी तक सिर्फ आरोप हैं। इनकी जांच होने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये आरोप सही हैं या गलत हैं। लेकिन अगर ये आरोप सच हैं तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस सुसाइड लेटर में कलिखो पुल ने कांग्रेस के कई नेताओं पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भी शामिल हैं। कलिखो पुल ने इस लेटर में लिखा है कि इतने बड़े कांग्रेस परिवार को जनता की सेवा करने वाले लोग नहीं बल्कि भ्रष्ट और बदमाश लोग चाहिए। अब मैं आपको कलिखो पुल के वो विचार पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखे हैं, और वो विचार उन्होंने लिखे हैं पेज नंबर 32 पर। अब आप देखिए 32 नंबर पेज मैंने इसमें ढूंढा है और क्या लिखते हैं वो लिख रहे हैं, मैं बहुत दिनों तक गहरी सोच और चिंता में डूबा रहा। पार्टी ने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला, फिर भी मैं 3 बार कोर्ट केस जीतकर आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। सच पूछो तो मैंने कांग्रेस का असली चेहरा देखा है और अब मेरी कांग्रेस में और राजनीति में रहने की इच्छा ही नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और ना ही निभा रहे हैं। मैं खुद को बहुत ही अभागा समझता हूं कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में चलता रहा, ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा जिसने मुझे खून, मशक्कत, पसीने और आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका पूरा ढांचा ही भ्रष्ट है। ऐसा उन्होंने लिखा है, नीचे कलिखो पुल के हस्ताक्षर है। तो आपने देखा कलिखो पुल कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ अपने लेटर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर पैसा लेने का आरोप भी लगाया है, लेकिन इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है इसलिए हम आपको वो नाम आज नहीं दिखा रहे हैं। इसमें इस चिट्ठी में उन तमाम बड़े नेताओं के नाम लिखे हुए हैं जिनको कलिखो पुल कहते हैं कि वो भ्रष्ट थे और जो पैसा मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि हम जैसा कह रहे हैं इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है इसलिए आज हम आपको वो नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें वो नाम लिखे हैं। इसी चिट्ठी में कलिखो पुल ने न्यायपालिका पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको इस लेटर का एक हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं
और वो हिस्सा है पेज नंबर 40। देखिए पेज नंबर 40 में क्या लिखते हैं, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आरोप बहुत बड़ा है। वो लिख रहे हैं, मुझसे जुलाई 12 तारीख की रात 9 बजे तक संपर्क किया गया कि अगर मैं एडवांस 9 करोड़ रुपए दे दूं तो फैसले को एक महीने तक टाला जा सकता है और मेरे पक्ष में फैसला देने पर बाकी 77 करोड़ रुपए देने की बात कही, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और ना ही पैसे देने के लिए राजी हुआ। न्याय को डगमगाता देखकर ही मैंने फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ना ही फैसले के वापस विचार पर कोई अर्जी दाखिल की, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि न्याय और जज बिक चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और यहां आगे भी उन्होंने लिखा है, यहां हम आपको ये याद दिला दें कि ये बात किस परिपेक्ष में हो रही है। पिछले वर्ष अरुणाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कलिखो पुल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कलिखो पुल के खिलाफ आया था। यानी कलिखो पुल के मुताबिक अगर वो 86 करोड़ रुपए दे दिए होते तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ सकता था, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर आपको याद दिला दें और याद रखना होगा कि ये कलिखो पुल के अपने विचार हैं और इन विचारों और आरोपों की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इसमें वैसे उन्होंने जजों के नाम भी लिखे हैं लेकिन हम वो नाम आपको पढ़कर नहीं सुना रहे हैं। कलिखो पुल ने एक और बहुत बड़ी बात पेज नंबर 41 पर लिखी है। यहां पर कलिखो पुल ये बता रहे हैं कि कैसे देश की न्याय व्यवस्था न्यायपालिका से उनका भरोसा उठ गया है। कलिखो पुल ने लिखा है कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर लिखा है और ये हिस्सा भी मैं आपको आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आज देश में वकील और जज भी भ्रष्ट हैं। जज का काम संविधान का सही गलत बताना है, न कि उसे झूठ बताकर पेश करना और न ही झूठा फैसला करना। सच कड़वा होता है लेकिन सच मुझे इस हालत में मिलेगा मुझे नहीं पता था। इस सच का सामना कर मेरी रूह अंदर तक कांप गई है। मेरा न्याय से भरोसा उठ गया है। इस देश के बारे में चिंता होती है कि यहाँ की भोली भाली जनता का क्या होगा। दोस्तों, मैंने जो बातें यहाँ बताई हैं वो 100% सही हैं। मैंने ये बातें अपनी अंतरात्मा से कही हैं। मैंने इन्हें कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला मिलाकर पेश नहीं किया और ना ही तथ्यों से कोई छेड़छाड़ की है। खास बात वो ये भी लिखते हैं कि आज जो बातें हम फिल्मों में देखते हैं और कहानियां पढ़ते सुनते आ रहे हैं, फिल्मों में जो देखते आ रहे हैं उन्हें हम हकीकत में देख रहे हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो गई कि पैसा बोलता है। जहां कहीं भी घटना होती है वो एक बार ही होती है। जैसे जैसे कंप्लेंट इंक्वायरी कोर्ट केस हियरिंग होती है वैसी स्थिति और हालत नहीं बदलते, वहां जजों के मत और फैसले क्यों बदलते हैं। इस देश में संविधान के कानून की एक ही किताब है जो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखी है और उसके बाहर भी देश दुनिया में उपलब्ध है, जिसे वकीलों और जजों के अलावा और भी लोग पढ़ते समझते हैं। तो यहां पर उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि ये चिट्ठी पढ़कर सुनाना भी अपने आप में कोई बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और ये हिम्मत हम आज आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कलिखो पुल ने इस चिट्ठी में लिखा है उससे न सिर्फ न्याय व्यवस्था इस देश की बल्कि इस देश के तमाम लोग, चाहे वो सरकारी लोग हों चाहे वो नेता हों, और पूरी की पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाएगी। और ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, ना पढ़ने की हिम्मत होती है और ना सुनने की हिम्मत होती है। कलिखो पुल ने अपने सुसाइड लेटर के पेज नंबर 51 और 52 में ये लिखा है कि कैसे नेता और मंत्री पैसा कमाने के लिए खुद टेंडर निकालते हैं और जनहित के कामों को लटकाते रहते हैं। अब देखिए उन्होंने टेंडर के बारे में क्या लिखा है, पेज नंबर 51 और 52। देखिए, सच्चाई सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। राज्य में कॉन्ट्रैक्ट निकलने पर विधायक और मंत्री अपने बीवी बच्चों के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देने पर भी उसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में अच्छे और नेक कॉन्ट्रैक्टर का क्या होगा, वही काम समय पर पूरा नहीं होगा और ना ही काम में कोई गुणवत्ता यानी क्वालिटी वर्क होगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। उसके बाद अगले पन्ने पर भी उन्होंने कुछ लिखा है, राज्य में स्कीम्स जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि मंत्रियों और विधायकों के पैसा कमाने के मतलब से बनाई जाती हैं। ये लोग टेंडर पहले ही तय कर पैसों का हिस्सा भी तय कर लेते हैं कि किसको कितना परसेंट पैसा मिलेगा।
राज्य में स्कीम सैंक्शन होने पर काम में प्रगति नहीं आती बल्कि मंत्रियों और विधायकों के खजानों में वृद्धि होती है जिसे वे मिलजुल कर हजम कर लेते हैं। सरकार और जनता के प्रोजेक्ट्स खत्म होने से पहले ही नेताओं की बिल्डिंग बन जाती है। असल में स्कीम सैंक्शन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का काम एक साल में पूरा हो जाना चाहिए और प्रोजेक्ट बड़ा होने पर ज्यादा से ज्यादा दो साल में के अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट को 8 से 9 साल तक लंबा खींचा जाता है ताकि विधायक और मंत्री ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब भर सके। देखिए कितनी कड़वी सच्चाई ये व्यक्ति अपने सुसाइड लेटर में लिख कर गया है। कलिको पुल ने पेज नंबर 44 पर जनता के लिए यानी आप सबके लिए भी एक संदेश लिखा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि सही आदमी को ही अपना वोट दें। ये उनका संदेश भी हमें लगता है कि आज आपको सुनना चाहिए। वो लिख रहे हैं, मेरी प्यारी जनता को अपील और विनम्र निवेदन करता हूँ, हमेशा राज्य और समाज के हित में अपना अमूल्य वोट दें। कभी किसी के दबाव में अपने आने वाले कल को मत मारें और ना ही किसी बाहुबली को अपने ऊपर हावी होने दें। चुनावी समय में बांटी गई शराब और पैसों के लिए अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी को दलदल में ना धकेलें और ना ही अपने हक के लिए किसी से कोई समझौता करें। अपना वोट देने से पहले एक बार अपने बच्चों को देख लें और उनके भविष्य के बारे में सोच लें और सही उम्मीदवार को अपना वोट दें, ऐसा वो कहकर गए हैं। अब आप खुद सोचिए, कलिको पुल ने 60 पन्नों में जो कुछ लिखा है, असल में ये सब आप बहुत सारी फिल्मों में देख चुके होंगे और बहुत सारी किताबों में पढ़ चुके होंगे, आपने इस तरह की अफवाहें लगातार सुनी होंगी, लेकिन कोई पूर्व मुख्यमंत्री बनने से मरने से पहले ये बातें लिख कर जाए, ये एक बड़ी बात है। कलिको पुल का ये सुसाइड लेटर सनसनीखेज होने के साथ साथ बहुत भावुक है। डीएनए में आज हमने इस चिट्ठी का विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनको पढ़ने के बाद चुप रहना मुश्किल है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये सुसाइड लेटर वैसे तो काफ़ी पहले बाहर आ गया था, लेकिन हमारे देश में किसी ने भी इसको जनता के सामने पेश करना ठीक नहीं समझा और ज़्यादातर लोग इस सुसाइड लेटर को पढ़कर चुप हो गए, शांत हो गए, बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि इन 60 पन्नों को पढ़ने के बाद चुप रहना बहुत मुश्किल है, कम से कम हमारे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल था और इसीलिए हमें ऐसा लगा। बहुत सारे लोगों को ये बातें चुभी होंगी, बहुत सारे लोग हमसे नाराज होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है हमारे ऊपर कोई केस भी कर दें, लेकिन हमें ऐसा लगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये सुसाइड नोट आज जनता तक पहुंचना ही चाहिए। हमें लगता है कि अगर कलिको पुल के इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े खुलासों में से एक होगा। इस खुलासे को समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है और अगर किसी ने भी इस पर विचार किया, गंभीर रूप से इसकी जांच करवाई और इन तमाम समस्याओं को हटाने की कोशिश की तो इस देश का भला हो सकता है। ये वो आरोप हैं जो आरोप लगाने से पहले किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाती है, इसलिए लोग खुलकर ऐसे आरोप नहीं लगाते, खुलकर ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड लोग ये बातें नहीं कह सकते, नहीं लिख सकते, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब इसको हमें और ज़्यादा छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए हमें लगता है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आज पहली बार जी न्यूज़ इस पूरी चिट्ठी को और इस चिट्ठी के जो कंटेंट्स हैं यानी इसमें जो कुछ लिखा है उसे पहली बार जनता की अदालत में यानी आपकी अदालत में ला रहा है, पब्लिक डोमेन में ला रहा है। अब आप खुद सोचिए कि इस पर क्या होना चाहिए। लेकिन जाते जाते आपको इतना ज़रूर बता दें कि ये कलिको पुल की चिट्ठी है, इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं, लेकिन वो आरोप सही हैं या गलत ये कहने की स्थिति में आज हम भी नहीं हैं। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर इनकी जांच कराई जाए तो इनकी पुष्टि हो सकती है और पता चल सकता है कि कलिको पुल 60 पन्ने ये क्यों लिखकर गए, इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन इतना जरूर है, अगर आप ये 60 पन्ने पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में हर चीज बिकाऊ है।